नमस्कार, मैं हूं स्मेल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से। मिट्टी के घर में रह रहते बारिश के पानी लगने के कारण घर गिरने लगा। जान माल सुरक्षा के लिए सब लोग घर से बेघर हो गए। सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा, छत नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे संकेत काल में प्रधान या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। बुद्धिराम रामधनी, शिवधनी राजधनी रामराज पुत्रगढ़ भीकर राम का पूरा परिवार घर के बाहर है। तहसील रिपोर्टर और अवैध कुमार प्रजापति के स्पेशल रिपोर्ट। पानी लगने कारण कब का हादसा है, कब हुआ है, कैसे हुआ? 10 दिन पहले से गिर रहा है। 10 दिन पहले से हुआ है? 10 दिन पहले से हुआ, तो इसके लिए प्रधान जी आपकी कुछ मदद किए? नहीं, उनके पास जाया गया था लेकिन वो कुछ कोई हेल्प नहीं किया और आने से देखने के लिए भी मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं देखेंगे। और अच्छा ये बताइए, प्रधान जी के पास आप गए थे तो प्रधान जी नहीं आए? नहीं नहीं आए। तो मतलब ये कब का गिरा है, कल का कि कल के डेट में? कब? 4-5 दिन से गिर रहा है लगातार, पानी से गिरा था, पानी लगा हुआ है पीछे, पानी की वजह से गिर रहा है। तो मतलब इसमें आप फिलहाल में इसमें हो कहाँ? आप सब अपने घर में हैं, आंगन में? आंगन में, दूसरे के घर में हो? और सामान सब दूसरे घर में है, अपने घर में है, दूसरे घर में? हाँ, दूसरे घर। तो मतलब प्रधान जी आप लोगों को कुछ अभी तो हेल्प दिए नहीं? नहीं है। तो अभी मतलब अभी तो आए ही नहीं? नहीं, देखने भी नहीं। आपके प्रधान जी का नाम क्या है? उदर राम गुप्ता। उदर राम गुप्ता, ठीक है। और आप बताइए आंटी, आपको आप प्रधान पास गई थी? अच्छा, मतलब प्रधान जी आगे प्रधान जी कुछ भी इसमें हेल्प नहीं कर रहे हैं? यस, थोड़ा हटिए दे निकालने हो जो गिरा हुआ है घर पे यहाँ पे। आप बताइए भैया, आप बताइए, आप प्रधान के पास गए थे? भतीजे लोग, लेकिन प्रधान भी अभी तक चल करके आपके दरवाजे पे नहीं आए? अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं है। चलिए, यस यस यस, निकास होता ना से? यस, मतलब चलिए ठीक है भैया, हम दूसरे के घर में मांग के घर चरौरी मिनता करे है, एक जने दे है ना परोसे, हम सब सामान अपन भरे है ला, आओ सामान दुआरे धरे है ला भैया, हम दुआरे के जगह ना ना दुआरे है भैया, अब हम सामान बारिश से हवा लगे था कहां धरे जाई, हम कुछ ना के कान भैया, अगर तो नहीं है हम गदेला लेके ये दिन चकवा लेके हमें तब तस्त हो जाता है ला भैया। आगे प्रधान जी का क्या नाम है? उदल गुप्ता है। प्रधान जी अभी झांकने भी नहीं आए यहाँ पे? नहीं नहीं आए हैं, एक बार भी नहीं आए? नहीं, एक बार नहीं आए हैं। हम तो अपन दुख लेके भैया परेशान है, 8 महीना से तो सारा घर दुआर गिर गल, हमारे बच को ठिकाना हो कहाँ रही कहाँ ना रही, तो हम हाल जाना थैला। चलिए ठीक है, भेज रहे हैं, इस पे कार्रवाई अवश्य होगा जो भी है। और आशीष भाई कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ, अभी तक जो है प्रधान जी यहाँ पे आए नहीं है, न तो किसी स्तर पे हम लोग कोई मदद हुई है और ना ही गांव वालों की वजह से, हम लोग गांव वाले घर में रह रहे हैं, गांव वाले कुछ मदद कर दिए हैं, हम लोगों का सामान दूसरे घर में, हम लोग खुद दूसरे घर में रह रहे हैं, हमारा घर गिर रहा है, कोई मदद नहीं मिल रहा हम लोग किसी भी स्तर पे। पानी लगने के कारण पूरा घर गिर गया, पूरा घर ढह रहा है एकदम, हम लोग अगर इसमें रहेंगे दब के मर जाएंगे। Yes. इसके डर से हम लोग बाहर रह रहे हैं, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, हम लोग पास एक तो प्रधान जी आपके पास अभी तक कोई मदद नहीं की है? प्रधान देखिए, हम यहाँ पे आए हुए हैं, जो भी है यहाँ पे देख रहे हैं, हालत बहुत, स्थिति खराब हो गई है यहाँ पे, घर ढह रहा है सारा, अंदर से तो एकदम ढह गया है,
यहाँ पे रहने के लिए कोई व्यवस्था साधन नहीं है। ये लोग मांग करके अलग रह रहे हैं किसी के रूम में, सारा सामान इन्होंने बाहर रखे गए हैं। क्या हुआ दादी? सामान लेके दूसरे घर में है। हाँ, दूसरे घर में रह रही हो। अच्छा, कितने दिन से रह रही हो? तीन चार दिन से रह रही हो। अच्छा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे कि हमको दिखाई पड़ रहा है, आप लोग, ये लोग दूसरे के घर में रह रहे हैं। इनका घर बुरी तरह से एकदम ढह चुका है। यहाँ पे प्रधान जी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, सारा सामान इन्होंने घर से बाहर निकाल के रख दिए हैं, और जो घर गिर रहा है इसकी वजह से बहुत यहाँ परेशानी दिक्कत का सामना कर पड़ रहा है। इन्होंने सारा सामान जो आपको दिखा रहे हैं सब बाहर पे यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, सब बाहर, सब बारिश से नुकसान हो रहा है इनका, जो भी है हम गेहूं चावल सब नुकसान हो रहा है, भीग गया है। और प्रधान जी यहाँ पे कुछ भी मदद अभी तक नहीं की, ना कोई यहाँ पे प्रशासन आया, ना अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया यहाँ पे। गांव वाले सुन के भैया आवतन देखा भी ना, लेकिन yes. प्रधान के अब तक कान सुनाई ना होते हैं, तो देख ले सही गिरा तो गलत गिरा। यस यस, पानी की वजह से हमारे घर गिरा है। यस, पानी काफी भाई लोग तुम्हारे घर इतना जल्दी गिरा तो तुम जानते हो। एक बार भी नहीं आए, चलिए ठीक है, भेज रहे हैं, इस पे कार्रवाई अवश्य होगा जो भी है। और आशीष भाई कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ, अभी तक जो है प्रधान जी यहाँ पे आए नहीं है, न तो किसी स्तर पे हम लोग कोई मदद हुई है, और न ही गांव वालों की वजह से हम लोग गांव वाले घर में रह रहे हैं। गांव वाले कुछ मदद कर दिए हैं, हम लोगों का सामान दूसरे घर में, हम लोग खुद दूसरे घर में रह रहे हैं, हमारा घर गिर रहा है, कोई मदद नहीं मिल रहा हम लोग किसी भी स्तर पे। पानी लगने के कारण पूरा घर गिर गया है, पूरा घर ढह रहा है एकदम। हम लोग अगर इसमें रहेंगे दब के मर जाएंगे, इसके डर से हम लोग बाहर रह रहे हैं, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग पास Yes. तो प्रधान जी आपके पास अभी तक कोई मदद नहीं की है? नहीं। देखिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, जो भी है यहाँ पे देख रहे हैं, हालत बहुत, स्थिति खराब हो गई है यहाँ पे, घर ढह रहा है सारा, अंदर से तो एकदम ढह गया है। यहाँ पे रहने के लिए कोई व्यवस्था साधन नहीं है। ये लोग मांग करके अलग रह रहे हैं किसी के रूम में, सारा सामान इन्होंने बाहर रखे गए हैं। क्या हुआ दादी? सामान लेके दूसरे घर में है। हाँ, दूसरे घर में रह रही हो। अच्छा, कितने दिन से रह रही हो? तीन चार दिन से रह रही हो। अच्छा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे कि हमको दिखाई पड़ रहा है, आप लोग, ये लोग दूसरे के घर में रह रहे हैं। इनका घर बुरी तरह से एकदम ढह चुका है। यहाँ पे प्रधान जी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, सारा सामान इन्होंने घर से बाहर निकाल के रख दिए हैं, और जो घर गिर रहा है इसकी वजह से बहुत यहाँ परेशानी दिक्कत का सामना कर पड़ रहा है। इन्होंने सारा सामान जो आपको दिखा रहे हैं सब बाहर पे यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, सब बाहर, सब बारिश से नुकसान हो रहा है इनका, जो भी है हम गेहूं चावल सब नुकसान हो रहा है, भीग गया है। और प्रधान जी यहाँ पे कुछ भी मदद अभी तक नहीं की, ना कोई यहाँ पे प्रशासन आया, ना अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया यहाँ पे। गांव वाले सुन के भैया आवतन देखा भी ना, लेकिन yes. प्रधान के अब तक कान सुनाई ना होते हैं, तो देख ले सही गिरा तो गलत गिरा। यस यस, पानी की वजह से हमारे घर गिरा ना। यस, पानी काफी भाई लोग तुम्हारे घर इतना गिरा था। दादी ये बताइए, आप इसी में रहती हो? यही में रही लो बच्ची, यही मम्मी की लड़की बाप अपने घर नहीं जाती बच्ची। आपको समस्या क्या हो रही है? अरे समस्या बहुत खराब है बच्ची।
क्या समस्या है? अरे न खाए की बा, न पहले की बा, न पैसा कौड़ी बा, कौड़ी अगर दुकान जाएंगे। अच्छा, ये पानी हमेशा ऐसे बुरा रहता है बरसात में? हरदम रहल बच्चे। अच्छा, बरसात में ये पानी बुरा रहता है? बरसात में रहता। अच्छा, ये बगल में तालाब है क्या? तालाब है क्या बगल में? हम यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे कि हमको दिखाई पड़ रही है, यहाँ दादी जो है, देखिए छप्पड़ हम आपको दिखा रहे हैं, इस छप्पड़ में रहती हैं, यहीं पे इनका गुजर बसर हो रहा है, लेकिन ये इनका कोई सहारा नहीं है और बरसात में बेघर हैं। और हम आपको जैसे कि दिखा रहे हैं यहाँ से, देखिए अभी हम आपको कैमरा दिखा रहे हैं, पीछे घर की तरफ है, सब पानी बुरा हुआ है यहाँ पे, देखिए द्वार दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसी बगल में इनका जो है घर है, इसी छप्पड़ में रह रही हैं दादी। और दादी, प्रधान जी के पास आपने गई थी? प्रधान के संग गए तो ना ही देहन बच्ची कहा कि अरे अब तो हम तरफ है, अब दूसरे प्रधान से कहा। प्रधान जी आपको कुछ भी नहीं दिए? नहीं, आगे संदास से हुआ देहन आगे। आप अकेली सिर्फ हो? हम आपके इनके बगल से पड़ोसी से कुछ पूछ रहे हैं, इनके पड़ोसी जानकारी ले रहे हैं। दादी, ये बताइए आप, ये दादी को क्या समस्या हो रही है? समस्या है भैया कि इनके पास लड़के बच्चे नहीं है। yes. लड़की है। yes. वो भी मान लीजिए थोड़ा हाफ माइंड है। yes, yes. इनके पास माने खाने पीने के लिए और कोई बाहर का कोई रास्ता नहीं है। yes. तो अपने समय में जब मजदूरी मजूरी करती है, कोई अपना जो मिलता है अपना पेट पास। yes. ये दादी किस घर में रहती है? ये अपने ही घर में है, यही इनका घर है, जो कच्चा घर है। हाँ, देखिए जैसे हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कपड़े का घर है, बगल में पत्रा है, अब हम आपको इधर दिखा रहे हैं, बगल में देखिए तालाब है, यहाँ पे तालाब है, तालाब से भरने के कारण दादी के जो घर में रह रही हैं, इनके घर में पानी जो है घुस रहा है और घर से बाहर है, दूसरे के घर में है इस समय। और प्रधान जी के पास आपने गए थे मदद मांगने के लिए? प्रधान जी कुछ बोले? प्रधान जी से हम लोग कितनी बार कहे हैं, लेकिन अब क्या है कि वो अकेली समझते हैं कि अकेले हैं, क्या करेंगे रूम लेके। यस यस, बात को निकलेट कर जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद कुमार। अरविंद कुमार, आपका ग्राम क्या है? सिकरौर। पोस्ट क्या है? बोड़ा। यही जो ब्लॉक है, रामपुर ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारे मड़ियाओं विधानसभा तहसील के अंदर में है। हमने जैसे कि यहाँ पे आकर के जांच किए, देखे यहाँ पे, तो यहाँ की स्थिति खराब है, जैसे कि दादी बता रही थी। और यहाँ बगल के भैया जी हैं, ये भी बताएं कि सेम वही बुरा हाल है। प्रधान कोई गुजर नहीं है ना, माने कोई बाहर का वो नहीं है कि भाई लड़का बच्चा कमाएगा तो बना लेगा। प्रधान जी इनको कुछ हेल्प मांगने गई तो प्रधान जी भी इनकार कर दिए, जाओ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पोस्ट क्या है? यही जो ब्लॉक है, रामपुर ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारे मड़ियाओं विधानसभा तहसील के अंदर में है। हमने जैसे कि यहाँ पे आकर के जांच किए, देखे यहाँ पे, तो यहाँ की स्थिति खराब है, जैसे कि दादी बता रही थी। और यहाँ बगल के भैया जी हैं, ये भी बताएं कि सेम वही बुरा हाल है। प्रधान कोई गुजर नहीं है ना, माने कोई बाहर का वो नहीं है कि भाई लड़का बच्चा कमाएगा तो बना लेगा। प्रधान जी इनको कुछ हेल्प मांगने गई तो प्रधान जी भी इनकार कर दिए, जाओ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।